हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन क्वीन सोनिया। आज हम बनाएंगे सैंडविच। ये जल्दी बनने वाली सबकी फेवरेट रेसिपी है। आप सुबह या शाम टी टाइम में इसे एंजॉय कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स लिए सैंडविच तैयार करने के लिए। हमने दो बड़े साइज की ब्रेड ली है, इन्हें सैंडविच ब्रेड भी कहते हैं। एक थोड़ा बड़े साइज का बाउल लिया है, इसमें हम सैंडविच की फिलिंग के लिए मिक्सचर तैयार करेंगे। हमने दो टमाटर लिया है जिसे बारीक कट कर लिया है। हमने एक खीरा लिया है जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है, वो भी इसमें हम डालेंगे। दो गाजर लिया है, इसे भी हमने कद्दूकस कर लिया है। हमने तीन तरह की शिमला मिर्च ली है, तीनों कलर की, लाल, पीली और हरी। इन तीनों को हमने आधी आधी लिया, इनको कद्दूकस करके हम इसमें डालेंगे। आधी चम्मच चाट मसाला इसमें डालेंगे। नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे। आधी चम्मच हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे। हाफ कप मेयोनीज लेंगे। वेज मेयोनीज आपको किसी भी शॉप पे आसानी से मिल जाएगी। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे हमने मिक्स कर लिया है। फिलिंग के लिए मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब ब्रेड की साइड्स कट कर लेते हैं। चारों तरफ से कट कर देंगे, इसकी ब्राउन साइड हटा देंगे। हमने ब्रेड को चारों तरफ से कट कर लिया है। जो साइड्स हमने कट करी है इन्हें हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम दूसरी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम इसकी ब्रेड क्रम तैयार कर सकते हैं। अब हमने बटर लिया है। अब हम बटर लगाएंगे दोनों ब्रेड पर। बटर को हमने थोड़ा पहले पिघला लिया था, इससे ये आसानी से ब्रेड पर लग जाए। हमने दोनों ब्रेड पर बटर लगा लिया है। अब बटर वाली साइड पर इसकी फिलिंग करेंगे। फिलिंग को ब्रेड पर अच्छे से फैला देंगे। चारों तरफ बराबर बराबर रखेंगे। फिलिंग भर दी है, अब दूसरी वाली ब्रेड इस पर रख देंगे। हल्का इसे ऊपर से दबा लेंगे। अब इसे रेक्टेंगुलर शेप में दो हिस्सों में कट कर लेते हैं। अब हमारा सैंडविच बिल्कुल रेडी है। अब इसे सर्व करते हैं। प्लीज़ गाइस, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।